हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल गुड इवनिंग अर्पित प्रभात रवीश अंकित पवन सृष्टि अंकिता उपासना श्रद्धा अक्षय करन हरे राम गुड इवनिंग एवरीवन मोहिनी चलिए सो नामकरण हो गया आपका Uh, अब तो नाम बहुत तेजी से आ रहे हैं लेना थोड़ा सा मुश्किल है ये आज की क्लास भी करियर वेल ऐप के साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव जा रही है इस समय ठीक है सो वेरी गुड इवनिंग एवरी वन एंड वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन तो कल हमने नाउन चैप्टर की शुरुआत की थी और आज उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलेंगे राइट सो जिन लोगों ने नाउन का पहला लेक्चर नहीं देखा है और आप सीधा इस अगर लेक्चर में हैं तो इस क्लास के बाद जरूर देख लीजिएगा बिकॉज बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं और वो जो भी कल डिस्कस किया था वो एक तरीके से आपको बेस प्रदान करेगा तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चलो वेलकम है फर्स्ट क्लास जिसकी भी है सभी का वेलकम है पहली क्लास है दूसरी क्लास है एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं जो कल हमने किया था सो so दैट आज कॉन्टिन्यूएशन के साथ आगे बढ़ सके हम तो कल नाउन uh, के डेफिनेशन के साथ हमने स्टार्ट किया कि भाई नेमिंग वर्ड्स नाउन कहे जाते हैं एक्चुअली नाउन इज नथिंग बट द नेमिंग वर्ड और उसके बाद टाइप्स की तरफ हम आगे बढ़े हमने प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स को समझा उस कड़ी में आखिरी हमारे पास मटेरियल नाउन बचा था आज उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद फिर से ये जो हमारे नाउन के टाइप्स हैं पे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं क्या कॉन्सेप्ट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की चर्चा आज की क्लास में करेंगे हम ठीक है सो आइए थैंक यू थैंक यू ठाकुर राजेश अनिल स्वीटी थैंक यू वेरी मच अब आइए लेट्स गेट स्टार्टेड यहां पे ध्यान देते हैं तो प्रॉपर नाउन डिस्कस कर लिया हमने आया ना पर्टिकुलर नेम कॉमन नाउन डिस्कस कर लिया क्या था अ नेम विच इज कॉमन फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास कलेक्टिव नाउन हमें समझ में आ गया समूहवाचक संज्ञा वन वर्ड फॉर द होल ग्रुप फिर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाइन पे, नाउन पे बहुत ही डिटेल्ड मैनर में चर्चा की आ, सबसे पहले हमने बात यह समझी थी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है कल बड़े अच्छे एग्जाम्पल से आपने समझा था तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब्जेक्टिव होते हैं भाव है ये भाववाचक संज्ञा है और कोई भी भावना बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है उसके लिए कोई एक कॉमन आर्टिस्टिक नहीं होता जिससे आप मेजर कर सकें और कर हमने ब्यूटी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी इस बात के लिए लिया था राइट right? याद है सभी को ना फेयर एंड लवली वाला एग्जाम्पल सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा हुई और उसके साथ हमने यह भी समझा कि ये कितने तरीकों से बनाए जाते हैं बिकॉज वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है आ, क्योंकि सेंटेंसेस में हमें छेड़ा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग राइट right? अगर आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पहचानोगे कि इसमें वर्ब क्या है एडजेक्टिव क्या है कॉमन नाउन क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है तो आप शब्दों को सही तरीके से सेंटेंस में अरेंज नहीं कर पाओगे राइट right? और आज बारी है मटेरियल नाउन की आइए इसको भी डिफाइन कर लेते हैं समझ लेते हैं फिर दोबारा प्रॉपर नाउन से कॉन्सेप्ट्स के साथ शुरुआत करेंगे तो मटेरियल नाउन को कैसे डिफाइन करते हो आप कई बार ये कंफ्यूजन होती है कि मटेरियल नाउन सॉलिड को कहा जाता है तो इस कंफ्यूजन को हम दूर कर लेंगे बिल्कुल एनी थिंग विच कैन बी यूज एज एन इनग्रीडियंट फॉर मेकिंग समथिंग एल्स कोई भी चीज जिसका इस्तेमाल एक अवयव एक घटक के तौर पे होता है किसी दूसरी चीज को बनाने के लिए वो सब किसके अंदर आते हैं ये सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और यहां पे पदार्थ की तीनों जो अवस्थाएं हैं आपकी सो कॉल्ड सॉलिड लिक्विड गैस वो सब मटेरियल नाउन का एग्जांपल है राइट right? तो एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट टू मेक समथिंग एल्स जो भी घटक है अवयव है किसी दूसरी चीज को बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो सब मटेरियल नाउन के अंदर आते हैं अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आप एग्जाम्पल थोड़े से जो अजीब हों उन्हीं को पहले ले लो सॉलिड तो खैर है ही है वो हमें पता है कोई भी मेटल है वुड है गोल्ड है ये तो है ही है साथ में ऑक्सीजन भी है राइट right? हनी भी है ये भी सब मटेरियल नाउन के ही एग्जाम्पल में है जैसे मैंने कहा सॉलिड लिक्विड गैस राइट right? ये सब मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएंगे एटसेट्रा तो खैर ये तो हो गई परिचय वाली बात हमने बाकी चार का परिचय कल ले लिया था ये एक बाकी था अब आइए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट वाइज एक एक को पकड़ करके शुरुआत होगी हमारी प्रॉपर नाउन के साथ प्रॉपर नाउन अब अगर मैं पूछूं आपसे कि प्रॉपर नाउन से संबंधित क्या बातें आपके ध्यान में हैं तो कल जो बातें की थी वो सारी ध्यान में तो है ही है ये पर्टिकुलर नाम होता है पर्सन प्लेस या थिंग का और दूसरी बात कि इन जनरल वी डू नॉट यूज आर्टिकल बिफोर देम इन जनरल मैं बार बार ग्रामर में इन जनरल बोलता रहूंगा इस बात को ध्यान से सुनेंगे आप इन जनरल का मतलब ये इन जनरल होता है बट उसके एक्सेप्शन अवेलेबल हैं राइट सो आइए कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखते हैं पहले और फिर वहां से हम कॉन्सेप्ट को डिड्यूस करेंगे रादर देन रूल रटने वाले पैटर्न पे राइट right? तो कॉन्सेप्ट को खुद डिड्यूस कर लेंगे हम प्रॉपर नाउन कल कुछ एग्जांपल्स हमने लिए थे ध्यान में है कल वाला एग्जांपल आपको किसी को भी कोई एग्जाम्पल ध्यान में है कल जो हमने किया था एनी वन ये वाला एग्जाम्पल लिखा था ना उसी को लिख लो कॉन्सेप्ट में जब हम चर्चा कर रहे हैं अब बधाई हो डिफीटेड रेस थ्री या जीरो कर लो एट बॉक्स ऑफिस यह सेंटेंस में कल हम बहुत कंफ्यूज थे कि सही है या गलत है आज इसकी चर्चा करेंगे पहले सेंटेंसेस लिख लेते हैं फिर चर्चा कर लेंगे second sentence ambanis and adanis have become very influential As far as the policy making of governments is concerned. A be a sentence. Hai. दो सेंटेंसेस हमने यहां पे लिखे हैं जो कि प्रॉपर नाउन की जो हमारी परिभाषा या जो हमारा परसेप्शन रहा है उससे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कल हमने इसकी चर्चा कर ली थी बधाई हो नाम है एक प्रॉपर नाउन है एक फिल्म का नाम है और वैसे ही जीरो भी क्या है एक फिल्म का नाम है प्रॉपर नाउन है इन जनरल इसके पहले आर्टिकल लगेगा नहीं क्योंकि जैसे ही आप ए एन लगाते हैं आप उस पर्टिकुलर शब्द को क्या बना देते हो काउंटेबल क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है आपने उसको गिनती दे दी तो जब वो पर्टिकुलर है तो इन जनरल आर्टिकल लगाने का मतलब है नहीं वहां पे हम हर चीज लॉजिक के साथ चलेंगे नहीं कि कुछ रटा हुआ है लगता है नहीं लगता है बिल्कुल हल्के होकर के पढ़ना है बिना किसी बोझ के कॉमन सेंस लगाते हुए तो इन जनरल आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए लेकिन यहां पर हुआ और जैसे ही हुआ ये तो अब यह क्या बन चुका है ये बन गया कॉमन नाउन कल परिभाषाएं हमने इसीलिए की हैं कि आज हम अपनी समझ का एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस में इन सेंटेंसेस में दिखा सकें और यह भी क्या बन गया कॉमन नाउन कॉमन नाउन क्या रिप्रेजेंट करता है क्लास रिप्रेजेंट करता है और यहां पे बधाई हो रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास ऑफ फिल्म स्मॉल बजट थी कॉल्ड so एक्टर्स के साथ थी लेकिन फिर भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया ये कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा था थोड़ा कुछ नई बात लेकर के आए वो जबकि जो आप दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हो यहां पर क्या अगेन अजीरो कर दिया कॉमन नाउन बना दिया कॉमन नाउन क्लास रिप्रेजेंट करता है यानी बिग बजट बिग स्टार कास्ट बट लो ऑन कॉन्टेंट आजकल कॉन्टेंट ओरिएंटेड चीजें बहुत ज्यादा चमक दमक नहीं चलती अगर कॉन्टेंट है तो जनता पसंद कर रही होती है उसको तो वही फिल्म वही बात यहां पे होगी कि स्टार ड्रिविन वाला मामला नहीं रहा यानी वो फिल्में जो कंटेंट ओरिएंटेड थी उन्होंने उन फिल्मों के क्लास को कॉमन नाउन क्लास रिप्रेजेंट करता है पछाड़ दिया बॉक्स ऑफिस पे जिनमें कंटेंट नहीं था तो बात यहां से क्या समझ में आई तुरंत फॉर्मूला आपने यहां से डिड्यूस कर लिया कि भाई आर्टिकल प्लस प्रॉपर नाउन लगता तो नहीं है ये सबको पता है बट जब लगा तो बन क्या गया कॉमन नाउन और अगर इस तरीके से यूज हो रहा है तो ये इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है ये पहला सेंटेंस हमें कॉन्सेप्ट सिखा गया ऐसे ही सीखेंगे अब अगेन ये लाइन पढ़ के भी आपको लग रहा होगा कि कुछ न्यूजपेपर मैगजीन कहीं पढ़ी हुई लाइन है एग्जैक्टली exactly मुझे ध्यान में नहीं है बट है पढ़ी हुई और आप भी देखोगे तो आपको अखबार में ऐसा मिलेगा अब आपको नजर आएगा अंबानीज यहां पे लिखा हुआ है जैसे तो आपको पता लग रहा है प्रॉपर नाउन है नेम है टाइटल है यहां पे भी आप देख रहे हैं ये भी नेम है अब जब वो पर्टिकुलर नाउन है तो उसको प्लूरल करने का क्या सेंस है प्लूरल तो आप उसे करते हो जो काउंटेबल हो अब बॉय कॉमन नाउन है बॉयज कर लो गर्ल गर्ल्स कर लो सिटी सिटीज कर लो बात समझ आती है प्लेयर्स कर लो जजेस कर लो बट नाम को प्लूरल कर लिया जाए ये थोड़ा अजीब सा लगेगा लेकिन यही तो बात है जो चीज हमें अजीब लगती है वो हमें गलत लगती है बट ऐसा जरूरी नहीं है <laughs> कल वाले एग्जाम्पल के साथ वो बात आपको समझ में आई होगी एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बताया नहीं इफ समथिंग फील्स ऑकवर्ड टू यू दैट डज नॉट मीन थिंग इज रॉन्ग अगर कोई चीज आपको ऑकवर्ड लग रही इसका मतलब नहीं कि वो गलत है इट सिंपली करेस्पॉन्ड दैट यू आर अनफमिलियर विद दैट सीधा सीधा आपको यही बताता है कि आप उस चीज से अवगत नहीं है फमिलियर नहीं है बस अब जैसे वही वाली बात जो ब्यूटी वाला एग्जाम्पल है कि अगर आपके ब्यूटी के पैमाने में कोई सेट नहीं बैठा तो इसका यह मतलब नहीं कि वो ब्यूटीफुल नहीं है वो किसी और पैमाने में है वो आपको आकवर्ड लग रहा है कि ये कैसा है ये तो उतना सुंदर नहीं है वो किसी और के लिए बड़ा सुंदर है तो वही चीज इंग्लिश में बहुत होती है जो चीज़ हमें गलत लगती वो सही हो जाती जो सही लगती वो गलत होती और वो कई बार एक्सपोजर की जब हमें कमी होती है हम ज्यादा बेहतर पढ़ते सुनते देखते नहीं है या जो पढ़ते सुनते हैं उसका अप्लीकेशन ज्यादा नहीं देखते तो हमें दिक्कत होती है तो अब वो दिक्कत दूर हो जाएगी यहां पर यह भी सेंटेंस बिल्कुल सही है देखने में अजीब लग रहा था आपको अंबानीज एंड अडानीज जैसे ही आपने प्रॉपर नाउन को क्या किया प्लूरल बनाया ये भी क्या बन गए ये कॉमन नाउन बन गए सेंटेंस को पढ़ें आप अंबानीज एंड अडानीज वेरी इंफ्लुएंशियल एज फॉर एज एज फॉर एज द पॉलिसी मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इज कंसर्ण राइट इज कंसर्न अब इस सेंटेंस का क्या सेंस निकल के आ रहा है क्या यहां पे हम अंबानी और अडानी की इन पर्टिकुलर बात कर रहे हैं क्या नहीं अगर इन पर्टिकुलर करते तो हम सीधा उनका नाम लिखते बट वी यूज द नेम्स ऑफ टू बिग बिजनेस मैन ऑफ इंडिया और उनके नाम को प्लूरल करके हमने अगेन क्या बना दिया कॉमन नाउन कॉमन नाउन रिप्रेजेंट क्लास तो अंबानीज एंड अडानीज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द क्लास ऑफ लीडिंग बिजनेस हाउसेज ऑफ इंडिया ये दोनों शब्द प्लूरल करके क्या आप, आपको बता रहे हैं हैं ये बता रहे हैं भारत के लीडिंग बिजनेस हाउसेस के बारे में और का क्या निकल के आ रहा है? कि जो उद्योगपति आप दुनिया भर में देखोगे जिस तरह का लीडरशिप का मॉडल चेंज हुआ बिजनेस लीडरशिप की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं दुनिया भर में अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के जाने की बात हो रही है देखो कब तक चुनाव के नतीजे आते हैं उस लिहाज से तो हमारा चुनाव आयोग बहुत बेहतर है इतना इतना बड़ा एक्सरसाइज होता है भारत में चुनाव तब भी रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाते हैं और अमेरिका में हमारे मुकाबले एक बट्टा चार लोग हैं वोट देने वाले बट फिर भी मामला वहां पे फंसा पड़ा है तो एनीवे वे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे तो ये बात निकल के आई थी कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने कोई भी इस तरह से पदभार नहीं संभाला कोई भी मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी रोल उन्होंने नहीं संभाला बिजनेसमैन थे और वो सीधा सीधा जो है दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के राष्ट्रपति बन रहे हैं तो ये चीज एक देखने में आ रही है कि जो बिजनेस मैन हैं जो बिजनेस हाउसेज हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग में सरकारों के दुनिया भर में उनका काफी रोल रहता है तो अगर वो सामने से नहीं है तो पीछे से थोड़ा बहुत ऑपरेट करते हुए दिखाई देते हैं तो इस तरह के आपको आर्टिकल्स एडिटोरियल्स मिलते हैं व्यू पॉइंट्स मिलते हैं और वहीं से उठाई गई ये लाइन है सो अगेन अंबानीज एंड अडानीज यानी यहां से क्या समझ में आया हमें हमें समझ ये आया कि अगर हमें कहीं पे प्रॉपर नाउन को प्लूरल करता हुआ हम देख रहे हैं अगर प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना दिया गया, जो कि इन जनरल नहीं होता तो वो अगेन किस तरह से एक्ट करेगा कॉमन नाउन के तौर पे एक्ट करेगा और कॉमन नाउन क्या बताता है कॉमन नाउन बताता है आपको क्लास राइट right? तो वो जो दो नाम है वो जिस भी फील्ड से बिलोंग कर रहे होंगे एक्चुअली आप उस फील्ड के लोगों की तरफ उस क्लास की तरफ इशारा करना शुरू कर देते हैं और यह आपको भरपूर दिखाई देता है अखबारों में अभी शायद पिछले वाले बैच में मैंने एग्जाम्पल दिया था बारह जून का द हिंदू का आर्टिकल था वहां पे द गांधीज कॉमा मंडेलाज एंड किंग्स ऑफ टुडे ऐसा करके आर्टिकल था आई थिंक गोपाल कृष्ण गांधी साहब ने लिखा था बारह जून का आर्टिकल था द हिंदू का नेट पे आपको मिल जाएगा तो टाइटल क्या था द गांधीज एंड मंडेलाज अब यहां पे पर अपास नहीं लगा है कि गांधी का और मंडेला का की बात हो रही है नहीं यहां पर जब हम गांधीज और मंडेलाज की बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम दुनिया के उन लीडर्स की तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्होंने दुनिया में एक तरह से स्टेट्समैन वाली इज्जत पाई और एक तरीके से लीडरशिप की दिशा बदली उनकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं उन उन तरह के नेताओं के क्लास की तरफ इशारा कर रहे हैं तो मैं बार बार वही बात है कि जो आपको अखबारों में मिलता है न्यूज मैगजीन्स में मिलता है वही हमें एग्जाम्स में मिलता है तो इन चीजों को बहुत ध्यान से देखेंगे बात समझ में आ गई तो ये पहला पॉइंट आपको नजर आया कि भाई अगर आपने आर्टिकल भी लगा दिया तो भी वो कॉमन नाउन बन जाएगा कर रहा है तो ऐसा लिखना बिल्कुल जायज है आइए थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं ये सेंटेंस बहुत पुराना है आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में राइट इस पर क्वेश्चन तो आ रहे हैं जैसे कहा जाए कि सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया ये एक सेंटेंस है और नेक्स्ट सेंटेंस इज द सचिन तेंदुलकर ज माई फेवरेट क्रिकेटर ठीक है ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है अब मुझे पता है आपको बिल्कुल पता है कौन सा सही है कौन सा गलत है बस लॉजिक को समझना है रिवाइज कर लेंगे आप एक बार ये कोई नई बात नहीं बता रहा यह जरूर आप जानते होंगे मुझे भरोसा है पूरा अब आप देखें आपको पता है कि हम इन जनरल किसी नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते इन जनरल किसी इंसान के नाम के पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन यहां पे ब्रैडमैन नाम है और उनके पहले द का इस्तेमाल हुआ है जबकि यहां पे अगेन मैंने सचिन तेंदुलकर के नाम का जिक्र किया और यहां पे भी द का इस्तेमाल किया है नाम दोनों ही हैं लेकिन यहां पे द का इस्तेमाल गलत है और यहां पे द का इस्तेमाल बिल्कुल सही है तो बात क्या समझ में आई कि जब आपने कहा सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया अगेन द ब्रैडमैन जैसे ही किया ये प्रॉपर राउंड नहीं रहा यहां पे ये बन गया अगेन कॉमन नाउन कॉमन नाउन बन गया कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास एंड द ब्रैडमैन इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास ऑफ लेजेंडरी क्रिकेटर्स सर डॉन ब्रैडमैन के नाम के पहले जैसे ही आपने द लगा दिया इस तरह के सेंटेंस के स्ट्रक्चर में तो ये कॉमन नाउन बन गया और कॉमन नाउन क्या रिप्रेजेंट करता है क्लास और द ब्रैडमैन किस तरह के क्रिकेटर थे लेजेंडरी क्रिकेटर थे तो दुनिया भर में जो लेजेंडरी लेजेंडरी क्रिकेटर्स की जो क्लास है क्योंकि कॉमन नाउन बन गया उसकी तरफ इशारा करने लग जाएंगे और कॉमन नाउन के जो मेंबर्स और उसी क्लास का मेंबर कौन है सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर इज द ब्रैडमैन ऑफ इंडिया द ब्रैडमैन बिकेम कॉमन नाउन कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स अ क्लास and and the the is is representing the class of legendary cricketer and who is the member of that class who is the other member of that class that is Sachin Tendulkar Sachin Tendulkar भी उसी क्लास के मेंबर हैं और कॉमन नाउन में क्वालिटीज कॉमन होती हैं तो क्या कॉमन क्वालिटी है दोनों में कि दोनों ही क्या हैं लेजेंडरी क्रिकेटर कि जब आपने यहां पर सचिन तेंदुलकर लिखा तो फिर ये गलत हो गया क्योंकि यहां पे किसी के साथ कोई कंपेरिजन नहीं था किसी दो एंटिटी के बीच में आप किसी क्वालिटी की समानता नहीं दिखा रहे थे जब आप कंपैरिजन करेंगे समानता दिखाएंगे उस हालात में द लगाना बिल्कुल जायज है लेकिन अगर किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है कोई सिमिलैरिटी शो नहीं कर रहे आप तो फिर वहां पे द आप नहीं लगा सकते तो इसीलिए इंग्लिश में हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है कॉन्टेक्स्ट की क्लैरिटी बहुत बेसिक वो जोक के तौर पर भी यूज होता है ना कि आई uh, के साथ सिर्फ एम का इस्तेमाल होता है तो ये जो आप भी जानते होंगे क्या आई इज द आई के साथ इज भी लग गया आई इज द कौन सा लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का जी आई कौन सा लेटर है नाइन्थ एथ सेवेंथ कौन सा से लेटर है आई अब जो कहते हैं ना हर चीज कॉन्टेक्स्ट में अब आई के साथ एम लगता है लेकिन यहां पे तो लग गया आई इज द विच नंबर ऑफ लेटर इंथ इज द नाइन्थ लेटर ऑफ इंग्लिश एल्फाबेथ तो ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है कि इंग्लिश में रूल को रटो मत कॉन्सेप्ट समझो तो रूल खुद ही तुम्हारे दिमाग में रहेगा और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रहेगा एनी anyway, वे हां जी नाइन्थ लेटर है बहुत बढ़िया रीजनिंग में पढ़ते होंगे इज ऑटी आइए जी तो बात समझ में आ गई इसके ऊपर भरपूर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के देखोगे तो मिलेगा किस तरह के सेंटेंसेस कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया वैसे ये तुलना सही है नहीं दोनों की टाइम लाइन अलग थी कालिदास साहब अलग समय थे शेक्सपियर अलग थे बट ये सेंटेंस आता रहा है एग्जाम में कालिदास इज द शेक्सपियर ये बिल्कुल सही है लेकिन वहीं पे आप कहो कि द शेक्सपियर इज माय फेवरेट नॉवेलिस्ट देन दिस इज नॉट करेक्ट तो वहां पे जब आप कह रहे हैं कालिदास इज द शेक्सपियर अगेन द शेक्सपियर बिकेम कॉमन नाउन कॉमन नाउन रिप्रेजेंट अ क्लास द शेक्सपियर इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास ऑफ literary आइकॉन्स साहित्य के बड़े नामों की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसी क्लास का मेंबर किसे बताया जा रहा है वहां पे कालिदास दो एंटीटीज है तो द लगाना बिल्कुल जायज है लेकिन आपने सिर्फ इस्तेमाल किया द कालिदास या द शेक्सपियर इज माई फेवरेट तो वो गलत हो जाएगा इस बात का ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट वही है लगभग कि भाई आर्टिकल लगाया कॉमन नाउन बन गया लेकिन हमेशा नहीं बनेगा कॉमन नाउन का कॉन्टेक्स देखना है यहां वो कॉमन नाउन नहीं है इस बात का आप ध्यान रखेंगे ठीक है फिर अगेन इस तरह के सेंटेंसेस आपको मिलते रहे हैं जैसे एग्जाम्पल में आपने किसी को मान लो ऐसे कहा कि ही इज द ही इज द न्यूटन ऑफ माई क्लास ही इज द न्यूटन ऑफ माई क्लास अब यहां पे जब आप ही इज द न्यूटन ऑफ माई क्लास कह रहे हैं तो अगेन इधर द न्यूटन क्या बन गया कॉमन नाउन के तौर पे अगेन ये, ये यूज होने लग गया और आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जो यह वह है ना जो आपकी क्लास में पढ़ता है वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना न्यूटन साहब थे तो ही इज द न्यूटन ऑफ माई क्लास ये सेंटेंस बिल्कुल सही है यहां पर आप तुलना वहां पर कर रहे हैं आप वहां पर तुलना कर रहे हो वैसे ही थोड़ा सा अजीब सा और एक सेंटेंस लगेगा वो भी लिखते हैं देर आर टू इसका एग्जाम्पल लिया जाए यहां पे चलो अर्नब साहब का नाम अभी बड़ा न्यूज में आया देर आर टू अर्नब्स In my हाउसिंग सोसाइटी मान लो आप जहां पर रहते हो आपकी हाउसिंग सोसाइटी में यहां पे लिखा देअर आर टू अर्नब इन माई हाउसिंग सोसाइटी अब यहां पे क्या है कि फिर अर्नब नाम है आपने टू लगा दिया उसके साथ और टू लगा करके प्लूरल कर दिया

और नंबर बताते ही क्योंकि वो काउंटेबल हो जाएगा कॉमन नाउन काउंटेबल होता है तो वो कॉमन नाउन की तरह से एक्ट करने लग जाता है वही बात यहां पे भी है आपने सिंपली प्लूरल कर दिया मानी जरानी तो भी वो कॉमन नाउन आपने ए एन लगा दिया तो एक नंबर की बात की तो भी कॉमन नाउन आपने दो पांच भी लिख दिया और प्लूरल कर दिया तो भी तो कॉमन नाउन है इसका मतलब कि आपकी हाउसिंग सोसाइटी में जैसे मान लो आप जहां रहते हैं शाम को लोग मिलते हैं या पार्क में आप घूमने टहलने जाते हैं तो दो ऐसे प्राणी हैं जो हाईली आर्ग्यूमेंटेटिव है टेटिव जैसे अर्नब गोस्वामी साहब का जो स्टैचर है कि वो आठ आठ दस दस लोगों को एक साथ डील करते हैं और बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव है सो so, यानी दो ऐसे लोग हैं जिनके ट्रेट्स अर्नब गोस्वामी जैसे हैं ये इसका मतलब हो गया क्योंकि कॉमन नाउन में क्वालिटीज कॉमन होती हैं तो मैंने अभी तक सिर्फ वही सेंटेंसेस लिखे हैं जो कि इन जनरल हमें देखने में अटपटे लगते हैं और ऐसे सेंटेंसेस हमें न्यूजपेपर्स में मिलते हैं तो ये हमें एग्जाम में भी मिल सकते हैं बेसिक बात तो सबको पता है कि प्रॉपर नाउन के साथ क्या मेन मेन बातें हैं कि भाई इन जनरल हम प्रॉपर नाउन को कैपिटल्स में लिख रहे होते हैं और दूसरी बात क्या कि इन जनरल आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता लेकिन जब हो रहा है तो वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो कॉमन नाउन के तौर पर बिहेव कर रहे हैं ठीक है तो चाहे वो नंबर लगा के आपको दे दें या सिंपली प्लूरल कर दें या आर्टिकल लगा के दे दें ध्यान रखना है अगर वो कॉमन नाउन के तौर पे एक्ट कर रहा है तो वो सेंटेंस बिल्कुल सही है लेकिन अगर नहीं कर रहा जैसा यहां पे नहीं कर रहा था तो हमने गलत कर दिया ये नहीं कि नहीं सही है यह कॉमन नाउन बन गया अरे कॉमन नाउन बन गया तो कुछ रोल भी कॉमन नाउन जैसा होना चाहिए तो ये बातें थी आपकी प्रॉपर नाउन के साथ और मोर और लेस बात वही हुई है जो यहां पर दो पॉइंट हमने लिखे हैं चाहे आपने आर्टिकल लगा लिया नाउन से पहले या नंबर लिख दिया कुछ भी दो तीन चार पांच तो दो तीन चार पांच लिखोगे तो डेफिनेटली प्लूरल ही करोगे प्रॉपर नाउन को या सिंपली आपने प्रॉपर नाउन को प्यूरल कर लिया इन सभी हालात में प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है सेंटेंस देखने में गलत लग सकता है, है नहीं सही है वो आइए अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ दैट इज कॉमन नाउन एक एक को पकड़ के सभी के कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे कॉमन नाउ डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पहले से है फिर अगेन सेंटेंसेस जो थोड़े से अजीब से लगे उधर ही चलते हैं The father in him aroused when he saw. ज ए स्टूडेंट इन फाइनेंशियल ट्रबल या स्टॉक की जगह पर कुछ भी कर लो फाउंड कर लो फाइंड का सेकेंड फॉर्म अब ये एक सेंटेंस है द फादर इन हिम अराउज और ऐसे सेंटेंस आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखें भरपूर मिलेंगे आपको आर्टिकल्स के ऊपर मिलेंगे नाउन में मिलेंगे द फादर इन हिम अराउज मेन ही फाउंड हिस् स्टूडेंट इन फाइनेंशियल ट्रबल अब ये सेंटेंस पूछा जाए सही है गलत है तो फिर अगेन अलग अलग तरह के बयान आएंगे उन बयानों में ध्यान देने के बजाय इधर ध्यान देते हैं मैं ध्यान इधर देता हूं आप अपने कॉमेंट बिल्कुल कर सकते हैं अब देखिए फादर जो शब्द है ये क्या है ये कॉमन नाउन है हाया ना कॉमन नाउन है किसी भी पिता के लिए ये कॉमन शब्द है फादर इज अ कॉमन नाउन इट्स अ कॉमन वर्ड फॉर ऑल द फादर्स इन दिस वर्ल्ड द का इस्तेमाल भी आपको मोटे मोटे तौर पर यह पता है बचपन से कि भाई द एक डेफिनेट आर्टिकल है और किसी पर्टिकुलर शब्द की तरफ जब हमें इशारा करना होता है किसी को स्पेसिफाई करना होता है तब हम द का इस्तेमाल करते हैं इन जनरल द के और भी बहुत सारे यूसेस है अभी सभी हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे थे कि इन जनरल आर्टिकल नहीं लगता लेकिन आपको पता है ना उस बात का एक्सेप्शन कि भाई हाँ सेलेस्टियल बॉडीज के नाम के पहले जो हमारी एपिक्स धर्म ग्रंथ है उनके नाम के पहले राइट नदियों के नाम के पहले वो भी नाम है लेकिन वहां द लगता है यही तो खास बात है इंग्लिश की इसीलिए इन जनरल ध्यान में रखना है जब आपने कहा द फादर इन हिम अराउस्ड वेन ही फाउंड हिज स्टूडेंट इन फाइनेंशियल ट्रबल तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकल के आ रहा है कि उस इंसान के अंदर के पितृत्व का भाव या पिता का भाव जाग गया जब उसने अपने स्टूडेंट को फाइनेंशियल ट्रबल में देखा अब मान लो कोई गुरुजी हैं कोई टीचर हैं बच्चे को पढ़ाते हैं वो आ, उनके घर पे ही मान लीजिए बच्चे आते हैं पढ़ने तीस चालीस पचास और कोई बच्चा है जो बहुत ही ब्राइट बच्चा है कोई फॉर्म भरना है या कहीं कुछ इस तरह की जरूरत है जहां पे उसे पैसे की आवश्यकता है लेकिन उसके पास पैसे हैं नहीं तो अब गुरु जी का जो दूसरा चरित्र है पिता वाला वो जाग जाएगा यानी पितृत्व तो का भाव जाग जाएगा जैसे पिता की ये जिम्मेदारी मानी जाती है ना कि भाई वो आवश्यकताएं पूरी करें तो उनके अंदर की भाव जाग गया कि वो अब उस रोल में आ गए पिता वाले रोल में कि भाई ये पैसे ले लो तुम्हें जो जरूरत है वो काम कर लो तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है यहां हम किसी स्पेसिफिक फादर की तरफ इशारा नहीं कर रहे ये आर्टिकल के अंदर भी पूछा जा सकता है और यहां से क्या बात आपको समझ में आ रही है विच कॉन्सेप्ट यू केम टू नो कि जब हम अगेन द प्लस यहां पे कॉमन नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से तो ये क्या बन जा रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहा है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जा रहा है ये भाव व्यक्त करने लग जा रहा है पिता का भाव ऐसा ही एक सेंटेंस जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है आप जरा देखें इस सेंटेंस को एरर में ही आया हुआ था कि द जज द जज इन हिम प्रीवेल्ड प्रीवेल्ड अपॉन फादर एंड ही सेंटेंस्ड इज ओन टन इस तरह का सेंटेंस आया था अब मुझे एक्जैक्टली नहीं याद है हो सकता कुछ आगे पीछे भी हो बटे मोटे मोटे तौर पर ऐसा ही भाव था आज मैंने आर्टिकल प्रीवियस ईयर करा रहा था मैं अपने इंग्लिश स्पेशल बैच में वहां पे भी ऐसा क्वेश्चन है यही था शायद सेंटेंस तो ये आपको एग्जाम में पूछा गया सेंटेंस द जज इन हिम प्रीवेल्ड अपॉन फादर एंड ही सेंटेंसड हिज ओन सन अगर मैं आपको पूछूं कि सेंटेंस में क्या एरर है तो क्या एरर बताओगे आप एरर क्या बताओगे एरर है यहां पर जी अफजल पंकज आराधना प्रीति शहजाद छोटू लकी, मनीषा नीरज तौसीफ कोई बताएगा हाँ वेरी गुड रविश वेरी गुड रविश यहां पे प्रॉब्लम है कि फादर के पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा फादर के पहले द लगाना पड़ेगा और अब जरा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करो क्या बताया जा रहा है यहां पे कि द जज इन हिम प्रीवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंसड हिज ओन सन यानी उस इंसान के अंदर जो न्यायप्रियता का भाव था भाववाचक संज्ञा बन गया ये जो न्यायप्रियता का भाव था वो ज्यादा प्रभावी रहा किस भाव के मुकाबले पिता के भाव के मुकाबले और इसीलिए उसने अपने बेटे को खुद सजा सुना दी तो अब यहां पे एरर ये था कि द छोड़ा गया था और वही कॉन्सेप्ट यहां पे बिल्कुल यूज हो रहा है जो ऊपर लिख रखा है कि जज भी कॉमन नाउन है आपको पता है फादर भी कॉमन नाउन है हमने जैसे ही द लगाया अब वो बन चुका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भाव शो कर रहा है न्यायप्रियता का भाव और पितृत्व का भाव इसका मतलब जो जज साहब है उनके सामने जो मुजरिम खड़ा किया गया वो उन्हीं का बेटा है उन्हीं का बेटा है लेकिन उस समय उन्हें अपने ड्यूटी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है अपनी ड्यूटी को उन्होंने तरजीह दी उस कुर्सी की तर, को तरजीह दी कि आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी शोभा होती है आपकी नहीं होती जो जिम्मेदारी है आपकी तो उन्होंने न्यायप्रिय न्यायप्रियता का भाव ज्यादा प्रभावी रहा पितृत्व के भाव के तो अगर अपना भी बेटा दोषी है तो जज साहब ने उसे सजा सुनाई ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आप गूगल करके देख लेंगे तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन मिलता है ये नहीं है कॉमन नाउन सिंगल होता है बाए, बाए, सिर्फ उस वही नहीं करना है इस का भी ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चन आ रही है इतनी बात सभी को समझ में आ गई अब ऐसा सेंटेंस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी विकास जी पूछ रहे यूट्यूब पर सर डेली क्लास चलती नहीं बेटा ये लास्ट क्लास है यूट्यूब पे इस बैच के लिए ये बैच इंग्लिश स्पेशल बैच है मेरा ये करियर वे ऐप पे आता है राइट आपको दिख रहा है यहां पे करियर विल ऐप पे आता है तो आगे क्लासेस लेने के लिए आपको एनरोल होना होगा बस अब बाकी क्लासेस अब आपको ऐप पे ही मिलेंगे ठीक है यहां तक सभी को, को कोई क्लैरिटी है कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अब ऐसे एक और फंसाने वाला क्वेश्चन देखो इसी के ऊपर लिखता हूं यहां पर मदर इन him aroused When he saw a crying baby, अब ये एक सेंटेंस है इसी कॉन्सेप्ट पे आप मुझे बताइए सेंटेंस सही है लग रहा है गलत लग रहा है और मुझे पूरा भरोसा सही जवाब दोगे बेटा जय ये बेसिक ही है इससे बेसिक क्या होता है नाउन के टाइप से समझ रहे हो ना तो यही बेसिक है लेकिन समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ रटना नहीं है यहां पे बस हां जी बहुत अच्छे वेरी गुड हाँ हाँ अफजल जी कह रहे हैं सर हर होगा बिल्कुल यही दिक्कत आती है बहुत सारे लोग सही भी हैं जो गलत हैं उधर ध्यान जाना मेरा लाजमी है देखो अब बच्चे को ये सेंटेंस दो तो वो क्या लॉजिक लगाता है कि सर यहां मदर लिखा है तो इधर तो हर होना चाहिए ये प्रॉब्लम है लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है यहां पे हम मदर लिटरल सेंस में बात नहीं कर रहे द मदर लिखा हुआ है तो हम यहां मातृत्व के भाव की बात कर रहे हैं ममता के भाव की बात कर रहे हैं और ममत्व का भाव या ममता का भाव जो है मातृत्व का जो भाव है ऐसा नहीं कि उसकी उसका लाइसेंस सिर्फ लेडीज के पास है ममता ममत्व का एक भाव है मम से बना है मेरे से बना है जहां आपको अपनापन नजर आता है राइट right. तो वहां पे वो भाव पुरुष के अंदर भी आ सकता है तो इसका क्या मतलब है कि एक पुरुष है वो द मदर इन ही सोइंग बेबी हम सभी जो इंडिविजुअल्स हैं हम सभी के अंदर दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं अब कहते जी मर्द को दर्द नहीं होता नहीं जब दर्द होता है मर्द रोते नहीं रो लेना चाहिए कोई बात नहीं हार्ट अटैक ज्यादा आता है इसीलिए ये तो जो स्टीरियो बनाए गए हैं वही दिक्कत है अरे भाई रोना आता है रो लो और ऐसा भी नहीं कि नहीं महिलाएं ऐसी होती हैं कोमल और सुकुमारी और समथिंग लाइक दैट वो भी स्ट्रांग होती हैं वो भी बॉर्डर पे है वो फिजिकली और मेंटली बहुत तो कहने का मतलब क्या कि आप स्टीरियो टाइप नहीं कर सकते तो ये भाव एक पुरुष के अंदर भी आ सकता है यानी उस इंसान के अंदर के ममता का भाव जाग गया जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है इट्स नॉट दर इज नॉट अ प्रॉब्लम गॉट द पॉइंट ओवर हेयर चलिए जी तो अब पर्याप्त एग्जाम्पल हमने ले लिए थोड़ी सी नई सी बात थी अब आइए अगली बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं कॉमन नाउन के ही हवाले से <coughs> हां जी नेक्स्ट सेंटेंस इज ये भी बड़ा पुराना सेंटेंस है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से द पुअर Have been oppressed by the rich since time immemorial. A sentence. Dekho. पुअर हैव बीन ऑपरेस्ट बाई द रिच सेंस टाइम मेमोरियल इन एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस आपने भी ऐसा क्वेश्चन किया होगा अगर प्रिपरेशन करी हुई है पहले अब अगर आप पुअर शब्द की बात करें और रिच शब्द की बात करें और मैं पूछूं बेटा इनका ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है तो आप कहेंगे सर ये एडजेक्टिव है ये विशेषण के शब्द हैं ही इज अ पुअर मैन ही इज अ रिच मैन राइट मैन नाउन रिच आ गया उसके पहले पुअर आ गया उसके पहले एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है और यहां पर हम इसे बोलते हैं एट्री एडजेक्टिव वहीं आपने कहा ही इज रिच और ही इज पुअर तो ये हो गया प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है एडजेक्टिव लेकिन जैसे ही आपने द का इस्तेमाल कर दिया यानी द प्लस एडजेक्टिव तो अब ये क्या बन गया अब ये कॉमन नाउन बन गया ये कॉमन नाउन बन गया द प्लस एडजेक्टिव से ये क्या बन गया कॉमन नाउन बन गया अब यहां पे हम गरीब लोग और अमीर लोगों की बात कर रहे हैं सिंस टाइम में मेमोरियल यानी अनंत काल सेजेज गरीब लोगों का अमीर लोगों के द्वारा या उसको किसी भी सेंस से ले लो कि जो रिसोर्सफुल लोग हैं उनके द्वारा वो लोग जो कि अनप्रिविलेज हैं अंडर प्रिविलेज हैं उनका शोषण हमेशा से होता आया है समाज हमारे क्लासेस में बंटे रहे हैं अपर क्लासेस ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोअर क्लासेस का शोषण करते रहे हैं तो ये सेंटेंस यहां पे बिल्कुल सही है अगर उनको एरर देना होगा तो वो अगेन क्या करेंगे मान लो रिच से पहले द हटा दिया तो आपको पता होने चाहिए नहीं यहां रिच से पहले द लगेगा ये दोनों एकदम पैरल स्ट्रक्चर में होंगे और यहां पे हमने इन्हें क्लास के तौर पर बता दिया हम गरीब लोग अमीर लोग के क्लास की बात कर रहे हैं बात समझ में आ गई हांजी एवरी वन हैज गॉट दिस आया ना यहां तक क्लैरिटी आ गई सभी को चलिए जी आगे बढ़ते आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन बहुत ही इंटरेस्टिंग अब कल जब हम कलेक्टिव नाउन की चर्चा कर रहे थे तो हमें यह बात समझ में आई थी कि एक तो हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कलेक्टिव नाउन के वर्ड्स हैं वहां से यानी शब्द लगना कुछ और चाहिए वो लगा के कुछ और दे देते हैं आपको तो एक तो वो बेसिक तरह का सवाल है जहां से एरर पूछा जाता है दूसरी दिक्कत ये है कि हम कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर लें ले या प्लूरल ले? क्या कंसिडर करें तो इसमें कुछ कई बार किताबों से चीजों को रट के बैठ जाता है कॉमन के सेंस के लगा के सोचना है अब देखो कलेक्टिव नाउन आप कह रहे हो समूहवाचक संज्ञा है यानी पूरे ग्रुप के लिए एक शब्द है अब जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर शब्द लेते हैं आर्मी आर्मी होती है सेना सेना है कलेक्टिव नाउन और वो बनी है सोल्जर्स से सोल्जर्स यहां पे क्या है सोल्जर्स का ग्रुप है मतलब सोल्जर्स के ग्रुप से बनती है आर्मी तो सोल्जर इज कॉमन नाउन कॉमन नाउन काउंटेबल है आप ये गिन सकते हैं कि यहां भारतीय सेना में कितने सैनिक हैं तो नंबर ऑफ सोल्जर्स कैन बी काउंटेड बट देर इज नो पॉइंट ऑफ काउंटिंग इंडियन आर्मी पर से आप इंडियन आर्मी को थोड़ी आर्मी तो एक है भारतीय सेना एक है वो सेना में सैनिकों की संख्या काउंट करी जाएगी हम आर्मीज का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जैसे वो मान लो जब उनका संयुक्त युद्धाभ्यास होता है अलग अलग देशों की सेनाओं का कि भाई आ, अमेरिकन और जापानीज और इंडियन तीनों आर्मीज का संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है तो वहां पे आप आर्मीज का इस्तेमाल करोगे लेकिन आर्मी इन जनरल काउंटेबल तो नहीं है तो अब यह बड़ा परेशान होने वाला मामला लगता है कि लॉजिकल हमें लगता है कि इसको तो प्लूरल नहीं करना चाहिए लेकिन कई जगह पे आप उसको देखेंगे भी प्लूरल होते हुए जैसे अभी आर्मी का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक सेंटेंस मैं यहां पर लिखता हूं अगर कि जैसे आर्मी हैज आर्मी हैज बिसीज़ द एरिया राइट आर्मी हैज बिसीज द एरिया एंड द सेकेंड सेंटेंस इज army have been dispersed across, across the various across various cities ऑफ द स्टेट राइट ऑफ द स्टेट ये एक सेंटेंस है अब यहां पर हम साफ साफ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दोनों सेंटेंसेस से में मैंने आर्मी का इस्तेमाल किया है आर्मी कलेक्टिव नाउन है एक जगह पे मैंनेज लगाया है और दूसरे केस में मैंने हैव लगा दिया है बीन। तो इसका मतलब कि पहले वाले केस में मैंने आर्मी को सिंगुलर कंसिडर किया और दूसरे वाले केस में प्लूरल कंसिडर किया तभी तो मैं ये वो का इस्तेमाल करूंगा यही तो है सब्जेक्ट वर्क अग्रीमेंट तो ये थोड़ा शोचनीय विषय बन जाता है कि यार आर्मी को वैसे इन जनरल तो उससे गिनती नहीं दे सकते हम एक ही आर्मी की बात कर रहे हैं जैसे मैंने कहा जब अलग अलग आर्मीज हो एक साथ हो, तब आर्मीज बोलोगे इन जनरल तो एक आर्मी सोल्जर्स काउंटेबल है उन्हें प्लुरल किया जा सकता है तो अब यहां पर कंफ्यूजन बहुत होता है आइए इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं सेंटेंस ये दोनों सही है मैं इन पर फिर दोबारा आऊंगा अब थोड़ा सा मैं आपको टेस्ट कर लूं बड़ा प्यारा सा सेंटेंस पहला सेंटेंस जूरी जूरी भी कलेक्टिव नाउन है। हैज ऑब्लिक हैव गिवन देयर ऑब्लिक इट्स वर्डिक अभी एक क्वेश्चन है आपके पास ठीक है मैं यहां पे ऑप्शन देता हूं आपको थोड़ा कॉम्बिनेशंस का ऑप्शन पहला ऑप्शन हमारे पास है Has देअर दूसरा ऑप्शन है has इट्स तीसरा ऑप्शन है हैव देअर और चौथा ऑप्शन है डी हैव इट्स सबसे पहला काम आप ये करेंगे चाहे ऐप पे या, या यूट्यूब पे हर जगह पहले कमेंट करो आप कि सेंटेंस में मैं कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाऊं डी में से हम किसके साथ जा सकते हैं हाँ जी एबीसीडी लिख दो बस मेरे को समझ आ जाएगा ज्यादा चक्कर में पड़ो ही नहीं लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पे बता दीजिए मुझे ए बी डी सी सब चल रहा एकदम। देव, है एकदम देखिए देव देवाशीष जी यूट्यूब पे हैविट्स कह रहे हैं चलिए जी बहुत बढ़िया वेरी गुड आज इस कचरे को भी साफ करते हैं पता है ये जैसे हम खुद भी कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं मैं जब शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट की बात करता था तो मैं ये चार ऑप्शन नहीं दिया करता था मैं ना सिर्फ दो देता था कौन से दो मैं बच्चे को पूछता था बेटा हैज इट्स होगा कि हैव देयर होगा मैं सोचता था यार ये तो पता ही होगा बच्चों को एक बार क्या हुआ एक ऑफलाइन क्लास की बात है मुखर्जी नगर में एक मैडम आगे बिल्कुल जोश में उन्होंने कहा सर हैव और इट्स होगा सर मैं अभी लिख ही रहा था तब तक मैं उनकी तरफ मुड़ा नमस्ते किया मैंने कहा थैंक यू मैम आपने जागृत किया मुझे तब मैंने दो दो और ऑप्शन लिखने लग गया क्योंकि तो मुझे पता लगा कि अच्छा अगर ये सोच सकती हैं तो ऐसे बहुत सैकड़ों लोग हो सकते हैं जो सोच सकते हैं हम तो छुपे रहते हैं बोलते नहीं तो इज्जत बची रहती है अब देखो इधर इज्जत आपकी एकदम खुलेआम दिखाई दे रही है सब इधर क्या लिख रहे हो आप दिमागी इज्जत दिमाग की इज्जत ठीक है ज्यादा इधर उधर मत सोचना तो देखिए लॉजिकली यही दोनों पॉसिबल है लॉजिकली यही दोनों पॉसिबल है ये जो भी महानुभाव चेक कर रहे हैं ना ये बता रहे हैं मतलब जो लोग ए के साथ गए हैं या डी के साथ गए हैं उनके चरणों में मतलब बिल्कुल मैं श्रद्धा न थूं कहां सीखा ऐसी अंग्रेजी बेटा ये कहां सीखी है आपने कहा सीख लिया कब सीखा ये किस क्षण में सीखा मतलब तुम ग्रामर की धज्जियां उड़ा रहे हो जो ग्रामेरियंस हम अपनी कबर में तड़प जाए लग रहा घोर कलयुग आ ही गया ये क्या चल रहा है इधर हैज के साथ देर है, हैज है देर प्लूरल है और इधर हैव के साथ इट्स हैव है इट्स सिंगुलर है इधर तो तारतम्यता आपने तार तार कर दी बिल्कुल पैरलिज्म की धज्जियां उड़ा दी तो ऐसे घोर पाप नहीं करने हैं हमें और फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं होता है तो अगर एबीसीडी करके प्री मान लो क्लियर हो गया मेंस नहीं होता थोड़ी समझ चाहिए वहां पे अगर वो भी क्लियर हो गया तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बाद मामला रुक जाता है जब ऐसी अंग्रेजी लिखोगे तो हैज इट्स हैव देयर नहीं समझ पाते और पूरी अंग्रेजी बीत जाती है पूरा कोर्स पढ़ के एकदम तैयार बैठे हो इसीलिए हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन करता हो रटना बंद करो लॉजिक लगाना सीखो आपके कल्याण के लिए जरूरी है ये तो ये दोनों भाई बिल्कुल पॉसिबल नहीं है किसी भी हालात में ये किसी भी हालात में नहीं पॉसिबल है पॉसिबिलिटी इन दोनों में हो सकती है यहां पैरेलल पैरल हैज है भी है इट्स भी है सिंगुलर हैव भी है दे आर प्लूरल भी है अब इसमें हम सोच सकते हैं आओ सोचने के लिए एक और सेंटेंस देता हूं थोड़ा यही जगह बना लें थोड़ी आओ इधर ही बना लेते हैं कहा घूमोगे फिरोगे हाँ जूरी साहब को यहां पे लेते हैं नीचे यहीं पे सेंटेंस लिखता हूं मैं एक और <क्क्कुण> जूरी ज ऑब्लिक हैव इवन इट्स ऑब्लिक देयर अच्छा वो एडिक्ट हो गया ना आर ग्यूड फॉर फाइव आवर्स अब देखो जूरी हैज्लिक है इनको तो बेसिक लेवल ही कहा जाता है इससे बेसिक तो क्या ही आएगा कहीं पे कुछ तो आओ देखो अब मैं आपका कॉमेंट देखूंगा तो फिर कुछ और बातें करनी पड़ेंगी उससे बढ़िया इधर ही मैं काम करूं आप अपना कॉमेंट करते रहे देखें पहले वाले केस में जो करेक्ट होगा वो क्या होगा बहुत सारे लोग थे करेक्ट बधाई के बात रहे वो सभी लोग ज ऑब्लिक इट्स और यहां पर है कंफ्यूजन फिर वही है कि जूरी भी एक कलेक्टिव नाउन है राइट ग्रुप ऑफ जजेस यहां पर भी जूरी कलेक्टिव नाउन है लेकिन यहां पर हमने जूरी को सिंगुलर कंसिडर किया है तभी तो हैज और इट्स लगाया और यहां पर हमने जूरी को प्लुरल कंसिडर किया है देन व्हाट इज द रीजन रीजन बस एक छोटे से पॉइंट में छिपा हुआ है और इससे जरूर क्वेश्चन मिलता है आपको एग्जाम में क्या है पॉइंट समझ लो यहां पर जब भी कलेक्टिव नाउन आपका यूनाइटेड मैनर में फंक्शन करता है तो आप उसे सिंगुलर कंसीडर करते हैं और जब आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड मैनर में फंक्शन करता है तो आप उसे क्या कंसीडर करते हो प्लूरल बस इतनी बात ध्यान में रखनी है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अब इसी को हिंदी अंग्रेजी लाल पीला पेन करके लिखोगे रटोगे उसकी जरूरत नहीं है स्कूल का एग्जाम नहीं है कि गुरुजी कॉपी चेक करेंगे हाँ बेटा बेहतर नोट बनाया दिमाग में कुछ नया जाना चाहिए और ऐसे जाना चाहिए कि बिल्कुल पक्का हो वो तो बस छोटी सी बात और जब झटके लगते हैं ना मैं इसीलिए डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों अप्रोच मिक्स करके चैप्टर्स पढ़ाता हूं हर चैप्टर में अलग अलग अप्रोच लेना पड़ता है तो ये चैप्टर वैसा ही है इसमें झटके लगेंगे गलतियां करोगे तो फिर याद रहेगा और आओ अब समझ लेते हैं यूनाइटेड और डिवाइडेड का क्या मतलब है देखो कलेक्टिव नाउन होगा तो मेंबर्स होंगे उसमें ये बात समझ में आ गई अगर किसी काम में कलेक्टिव नाउन के जो मेंबर्स हैं वो एक यूनिट के तौर पे यूनिट से ही यूनाइटेड बना है एक यूनिट के तौर पे एक एंटिटी के तौर पे काम करते हैं तो हम उन्हें क्या कंसीडर करते हैं तब हम उन्हें सिंगुलर कंसीडर करते हैं तो देखो जब फैसला आता है ना तो कहा जाता है जूरी का यह फैसला है जूरी का यह फैसला है उसमें यह नहीं बताया जाता कि अच्छा उस जूरी में अगर पांच मेंबर थे तो कितने लोग सहमत थे वो भी खैर डिटेलिंग में आ जाता है जब आप न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं उससे रिलेटेड थ्री थ्री टू से ये फैसला आया ऐसे जैसे भी है लेकिन वो फैसला जूरी का है जब वो फैसला दे रहे हैं तो वो पांचों एक एंटिटी के तौर पे काम कर रहे हैं उस समय वो यूनाइटेड हैं वो जूरी का एक फैसला है फाइनल लेकिन फैसला देने से पहले यहां पर देखो पांच घंटे की आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है वो पांच घंटे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट कब होती है जब इंसान यूनाइटेड होता है कि डिवाइडेड होता है तो जाहिर तौर पे जब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे घंटे तक बहस चली इसका मतलब जितने भी जूरी के मेंबर थे उनके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू थे उस पॉइंट ऑफ व्यू से समुद्र मंथन हुआ और फिर निचोड़ निकाल करके फैसला दिया गया सो ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट ड्यूरिंग दो फाइव आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट द मेंबर्स ऑफ दैट जूरी वर डिवाइडेड एंड दैट इज वाई वी विल कंसिडर दैट पर्टिकुलर नाउन प्लूरल बट वेन दे गेव द वर्ल्ड एक्ट एट दैट मोमेंट दे वर यूनाइटेड एंड दैट इज वाई कंसिडर द वर्ड सिंगुलर और इसीलिए हमने यहां पर क्या लिया हैज इट्स लिया तो कलेक्टिव नाउन में क्वेश्चन दो ही तरीके से मिलेंगे आपको बिल्कुल दिमाग दिमाग एकदम दिमाग में बिठा लो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में तो देखो नाउन और प्रोनाउन की ही समझ इस्तेमाल होती है यही तो सब्जेक्ट बनेंगे उन्हीं का वर्व के साथ मिलान करते हैं हम सब्जेक्ट हम पहचानते ही नहीं है क्या सिंगुलर है क्या प्लुरल फिर हमें उधर भी सब्जेक्ट वर्व अग्रीमेंट में रूल रखना पड़ता है कहीं नहीं रटने की जरूरत है अगर ये चैप्टर ढंग से समझ में आए हुए हैं तो तो कलेक्टिव नाउन मैं आपको बता दिया एक तो तरीका होगा आपका वर्ड्स वाला लगना होगा बंच लगा के दे देंगे बुके लगना होगा गैंग लगा के दे देंगे क्रू तो ये वाला काम होता वो सब आप हैंड आउट में डिस्कस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट पूरा होने के बाद तो सारे क्वेश्चन करोगे आप और दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया ये है यहां से समझ बहुत चेक होती है आइए तो आई थिंक कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया और अब हम इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस मैं आपको देता हूं आप बिल्कुल सही जवाब देंगे पूरी उम्मीद है आ, चलो तीसरा सेंटेंस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर टीम हैज ऑब्लिक हैव टेकन इट्स ऑब्लिक देयर सीट ऑब्लिक सीट्स चौथा सेंटेंस टीम इज ऑप्लिक आर हैप्पी आफ्टर विनिंग द मैच हां जी ये दो सेंटेंसेस हैं आपके पास इसमें चॉइसेस हैं आपके पास राइट ऐसे लिख देता हूं मैं ए बी ए आपको जो लग रहा होगा लिख लेना और इधर भी ए भी बता दो मुझे फटाफट पहले पहला वाला ही बता दो बिल्कुल बेसिक मेरे ख्याल से अब आप ऐसी वाली गलती तो करोगे नहीं पिछले वाले क्वेश्चन में काफी मैंने बात आपके दिमाग में बिठा दी है कौन सी वाली गलती अब आप ये तो नहीं बोलेंगे सर हैज देयर सीट्स या हैव इट्स सीट आपको पता है या तो ए वाले होंगे सारे या सारे बी वाले होंगे बस इतना तय करना है कि हम यहां टीम को सिंगुलर लें या प्लूरल लें उसी के अकॉर्डिंग सारा कुछ हो जाएगा तो अब देखो आप टीम हैव टेकन देयर सीट्स टीम इज वॉट दैट इज द कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स तो अब सपोज कोई क्रिकेट टीम है क्रिकेट टीम में ग्यारह खिलाड़ी हैं वो कहीं आए अब ऐसा तो है नहीं कि कप्तान साहब बैठेंगे फिर उनके गोद में वो कप्तान साहब और बाकी की पूरी टीम ह्यूमन पिरामिड बनाएगी है उन्हें कुछ आला रे आला कुछ तोड़ना है मटकी वटकी फोड़नी ऐसा तो कुछ भी नहीं है दे हैव टू बी डिवाइडेड वाइल दे आर सिटिंग ऑन चेयर्स अब ऐसा थोड़ी कि टीम में है तो जिंदगी में हर एक काम यूनाइटेड मैनर में करेंगे अरे भाई फील्ड के अंदर वो टीम है वहां यूनाइटेड होंगे फील्ड से बाहर उनकी अपनी जाति जिंदगी है कुर्सियां अलग अलग होंगी तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा उसको अलग अलग लेना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा तो प्लूरल में लोगे एक साथ मिलकर नहीं बैठेंगे कुर्सी पे बट जब कोई टीम कोई मैच जीतती है तो जीतने के बाद जो आपकी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस है वो कैसी होती है वो यूनाइटेड होती है ऐसा नहीं कि को कोई दुखी हो गया वो माई गॉड कैसे जीत गए हम राइट तो ये ये तो बिल्कुल नहीं होगा तो टीम के जितने भी मेंबर्स हैं दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी सो वाइल्ड फ्टर विनिंग द मैच द फीलिंग ऑफ हैपीनेस इज यूनाइटेड दैट इज नॉट डिड नो बडी इज फीलिंग सॉरी ऑफ द फैक्ट दैट द मैच दुखी नहीं है वो राइट right? वो खुश है तो वहां पर क्या हो जाएगा वहां प्लूरल लेंगे आइए दो तीन सेंटेंस करके हर एक चीज पक्की करते चलते हैं यूट्यूब पर भी जो भाई देख रहे हैं कम से कम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उतना पक्का हो जाए उनका आ जाओ अगला सेंटेंस है

living next door is oblique or fighting with one another one another anji दो सेंटेंस है दोनों सेंटेंस में फैमिली का इस्तेमाल किया है राइट फैमिली में मेंबर्स होंगे तभी तो फैमिली कहोगे तो कलेक्टिव नाउन हो गया अब मुझे बता दीजिए किस में क्या लगाओगे आप कमेंट तो में आर इज इज आर इज इज आर आर जो भी लिखोगे मुझे समझ में आ जाएगा पहले वाले के लिए पहला वाला शब्द दूसरे के लिए दूसरा शब्द बता दीजिए प्लीज बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप बहुत बढ़िया और इसमें सबका जवाब सही होना चाहिए इतनी मेहनत हो रही है इसे भर भर के एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके थैंक यू थैंक यू अंकिता मनीषा अमित रोहित संगीता देवाशीष शिवम बहुत बढ़िया ऐप यूट्यूब हर जगह लोग एक्टिव हैं बिल्कुल आइए आई होप सबका देखो देख पाना मुश्किल है मैं पैटर्न ही देखता हूँ और मैं जहां तक पैटर्न देख पा रहा हूं आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर इज फ्रॉम मुंबई बिकॉज दिस इज जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपके बगल में जो रहता है वो कौन है वो कहां से है तो वहां पे फैमिली को आप एक, एक एंटिटी के तौर पे ले रहे हैं कि जो पड़ोसी वाली फैमिली है जो मेरी आई है बगल में रहने वो कहां से हैं तो वो मुंबई से हैं तो वहां पे यूनाइटेड हो गए अब ये फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर ये किस तरह का फ्रेज है इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है वो समूह जिसके पास अपना वर्ब नहीं होता और क्योंकि ये फैमिली को डिस्क्राइब कर रहा है कौन सी फैमिली तो जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हो क्या कहते हैं एडजेक्टिव ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया दो कॉमा के बीच में लिखा गया है इसीलिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट थोड़ा यहां पे पता लग रहा है अब यहां पे फैमिली लिविंग नेक्स्ट डोर आर फाइटिंग क्योंकि फाइटिंग की बात हो रही है लड़ाई होती कब है जब मन भेद हो या मतभेद हो तभी लड़ाई होती है तो यहां पे लड़ाई होगी इसका मतलब वो डिवाइडेड है डिवाइडेड है तो क्या कंसीडर करोगे प्लूरल कंसीडर करोगे और यहां पे करेक्ट ऑप्शन आर हो गया सेकेंड सेंटेंस में तो आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद दिस एवरीबडी इज क्लियर विद दिस यहां तक सभी को क्लैरिटी हो गई जो पढ़ा है आज वो ध्यान में है या नहीं है एक बार क्विक रिकैप कर लें आ जाओ फटाफट क्विक रिकैप कर लेते हैं मेमोरी में ना हमारे आर बड़े इंपॉर्टेंट है ढंग से रजिस्टर करना पहले ये तो खैर डेफिनेशन हो गई मुझे लग रहा है कि कल ही हम कर पाएंगे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जैसे आज हमने इन तीनों से किए ऊपर वाले से तो कोई बात नहीं कोई रश नहीं रश में नहीं हम बहुत आराम से पढ़ना है समझते हुए पढ़ना है हाँ जी तो शुरुआत हुई प्रॉपर नाउन से एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और इन एग्जाम्पल से हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट डिड्यूस किए यही नोट है यही नोट है, है आप इसको चाहिए हिंदी अंग्रेजी मैंने हर तरह से बोल दिया है यहां पे ब्लॉग बना के लिख भी दिया है स्मार्ट तरीके से नोट मेकिंग भी करनी होती है सेंटेंसेस के बाद लिखोगे जिंदगी भर याद रहेगा बात समझ में आ गई प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का इस्तेमाल किया कॉमन नाउन बन गया प्रॉपर नाउन को प्लूरल किया तो भी वो कॉमन नाउन बन गया अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है वो एक क्लास की तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहा है वो सेंटेंस वही है ना कॉमन नाउन है तो क्लास की तरफ इशारा करेगा जातिवाचक संज्ञा तो उसको यूज करना बिल्कुल सही है इन जनरल प्लूरल नहीं होता इन जनरल आर्टिकल नहीं लगाते कंपैरिजन वाला भी केस आपने देख लिया राइट right? तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन के साथ नंबर्स भी लगा के दे दें तो परेशान मत हो जाना ये क्या मतलब है अगर मान लो सेंटेंस में आ गया कि देर आर थ्री करीनाज लिविंग इन माय विसिनिटी तो देर आर थ्री करीनाज को ये क्या हो गया तो यहां पे समझ में आना चाहिए कि अच्छा देर आर थ्री लेडीज जो जिनका जो ट्रेट्स हैं जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो करीना से मिलते होंगे तो देर आर थ्री करीनाज कह दिया गया सो सुनने में अटपटा लगेगा बट ये सेंटेंस बिल्कुल सही है एनी वे आइए आगे बढ़ते हैं कॉमन नाउन से बात क्या समझ में आई अभी इन जनरल तो हमें पता बताइए भाई कॉमन नाउन काउंटेबल है क्या होता है एवरीथिंग यू आर अवेयर ऑफ बट कहां से क्वेश्चन मिलते हैं ज्यादा जो फंसाने वाले होते हैं तो ये वाले जो क्वेश्चन थे यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या कि जब आप कॉमन नाउन से पहले इस तरह से द का इस्तेमाल करते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे यूज होने लग जाता है वो भाव बताने लग जाता है जैसे यहां पे सेंटेंस में पिता का भाव बता रहा था यहां जज का भाव यानी न्यायप्रियता का भाव ज्यादा प्रभावी रहा पिता के भाव से और उसने अपने ही बेटे को सजा दे दी अगला सेंटेंस भी बिल्कुल वैसा ही था द मदर इन हिम ही सॉ बेबी उसके अंदर की ममता जाग गई जब उसने एक रोते हुए बच्चे को देखा यह सेंटेंस आता है द सोल्जर इन हिम हेम ही सॉ अ फ्लिइंग टेररिस्ट जब एक भागते हुए आतंकवादी को उसने देखा तो उनके अंदर का सैनिक जाग गया मान लो कोई रिटायर्ड फौजी हैं लेकिन क्योंकि भाई फौजी रहे हैं अंदर वो जोश जुनून है उनके तो रिटायरमेंट के बाद भी किसी को देखा तो उनके अंदर का जाग गया पकड़ लिया उसको इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको एग्जाम में फिर दूसरी बात यहां से आपने इंपॉर्टेंट बात सीखी क्या कि एडजेक्टिव के साथ जब आप द का इस्तेमाल कर लेते हो जनरली तो वो क्या हो है? वो कॉमन नाउन बन जाता है कई बार आप एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में भी देख लेते हो इन जनरल तो एडजेक्टिव को प्लूरल करोगे नहीं प्लूरल नाउन होता है बस लेकिन कई बार एडजेक्टिव को जब आप लूरल कर रहे होते हैं तो भी वो नाउन बन जाता है तो इस तरह से बहुत सेंटेंस आपको मिलते हैं जैसे कहा जाए कि द डेफ एंड डब आर स्पेशली एबल्ड पीपल द डेफ एंड डम्ब आर स्पेशली एबल्ड पीपल डेफ एंड डम शब्द की प्रोफाइल क्या है एडजेक्टिव है राइट right? तो जैसे मैं कहूं आई एम डेफ आई एम डम मैं गूंगा बह रहा हूं तो ये क्या है दिस इज एडजेक्टिव लेकिन जैसे ही मैंने कहा द डेफ एंड डम्ब आर स्पेशली एबल्ड पीपल नाउ इट बिकेम कॉमन नाउन आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ पीपल जो कि डेफ एंड डम होते हैं और दे आर डेफिनेटली स्पेशली एबल्ड यू मस्ट है डेफ एंड डम पीपल वाइल दे आर कम्युनिकेटिंग हाउ फास्ट दे आर इन कम्युनिकेशन हमारे पास ऊपर वाले ने नमत ने दी है जवान है हमारे पास नहीं बोल पाते कई बार बात दिल में रह जाती या बोल देते नहीं शब्दों पर मच जाओ भावनाओं को समझो शब्दों की बड़ी गरीबी है या अंग्रेजी बोलने का मन कर रहा है ट्रांसलेशन ही नहीं हो रहा मतलब तो हमारे तो ऐसे हालात हैं तो वो लोग डेफिनेटली उस अगर हम शब्द यूज करते हैं स्पेशली एबल्ड दे आर स्पेशली एबल्ड इफ दे आर बाई दैट वे बट जिस तरीके से देखो हाउ एक्सप्रेसिव दे आर हाउ फास्ट इन कम्युनिकेशन दे आर दे आर स्पेशली एबल्ड एनी anyway, वे तो द डेफ एंड डम आर स्पेशली एबल्ड पीपल ये वही कॉन्सेप्ट है ठीक है कॉमन नाउन बन गया क्लास रिप्रेजेंट करने लग जाता है फिर हमारे कलेक्टिव नाउन के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस अब ये वाला देखो

पांच सात दस शहर ऐसे हैं जो संवेदनशील हैं तो आर्मी को डिस्पर्स कर दिया जाता है डिवाइड कर दिया जाता है ऐसा नहीं कि वो जो टुकड़ी भेजी गई है उस टुकड़ी में कितने सोल्जर्स हैं वो डिपेंड करेगा बट नाउ दे आर डिस्पर्स ना डिस्पर्स वर्ड ने सारा काम चेंज कर दिया तो डिस्पर्स का मतलब डिवाइड कर दिया डिवाइड कर दिया तो प्लूरल लेना पड़ जाएगा तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट व्हाट यू नीड टू गेट और जिसको हमने अगले सेंटेंस में यहां पे समझा बहुत अच्छे से कोई बात नहीं गलतियां होती हैं तो गलतियां होती तभी तो सफाई होगी तो इसको तो अब बिल्कुल दिमाग में पक्का बैठ गया आपके कि भाई जब कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड मैनर में काम करे तो सिंगुलर कंसीडर करो कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड मैनर में काम करे तो प्लुरल कंसीडर करो रट के मत जाओ कि कलेक्टिव नाउन ये होता है क्या होता है डिपेंड सेंटेंस पे करेगा सेंटेंस पे करेगा और हमारे जो भाई आई थिंक मैक्सिमम जो यहां पे पढ़ रहे हैं वो सब एस के अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट लेवल एग्जाम्स की कर रहे हैं बेसिक्स के एग्जाम होते हैं जिस बच्चे के फंडामेंटल्स क्लियर हैं दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू इकोनॉमी इन द लास्ट सिक्स इयर्स या ऐसा नहीं कि सोशियोलॉजी और इकोनॉमी की खिचड़ी आपको मिलने वाली आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन यू हैव टू अपलाईर क्रिटिकल रीडिंग एनालिटिकल रीडिंग नो दीज आर द एग्जाम्पल्स दीज आर द एग्जाम ऑफ सिंपल थिंग्स बेसिक थिंग्स फंडामेंटल्स तो अगर आपके ग्रामर के फंडामेंटल्स क्लियर हैं जैसे दो सौ में सीजियल मेंस के अंदर से 90 क्वेश्चन सीधा ग्रामर हैं आधे घंटे में सारे नंबर आ जाते हैं और नरेशन बिल्कुल टिप्स पे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि ऑप्शन दिया होता लिखना हो तो टाइम लगेगा ऑप्शन से तो एलिमिनेशन से पांच सेकेंड में होता है वो एयर डिटेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर पार्ट ऑफ स्पीच बिल्कुल क्लियर है हर एक चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ेंगे यहाँ पे नाउन के हर एक टॉपिक प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब वर्ब जब इस लेवल पे समझ है तो कहां से कोई क्वेश्चन फंसने वाला है और रटने की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी तो ये अप्रोच लेके आइए आप सभी से ज्यादातर बच्चों के रटने की आदत होती है तो इसलिए मैं बार बार इस अप्रोच अप्रोच की बात कर रहा हूं आपसे राइट तो आज यहीं पे हम विराम लगाते हैं कल यहां से आगे बढ़ेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन से किस तरह से एक्सेप्शन वाले सेंटेंसेस बनते हैं वहां कैसे हमें परेशान करते हैं वो चीजें कल की क्लास में समझेंगे और जो कुछ भाई यहां पे सवाल था कुछ कि सर अगर मैं लाइव नहीं देख पाया क्लास तो देखो उसकी कोई दिक्कत नहीं है सारी इन्फॉर्मेशन करियर वेल ऐप पे है और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए लाइव क्लास की टाइमिंग पांच बजे से लेकर सवा छः के बीच में है ठीक है ये फाइव डेज चलेंगे लेकिन सपोज यू आर इंगेज समवेयर एल्स आप स्टडीज में हैं वर्किंग है या कहीं पर भी इंगेज है नहीं देख पाते लाइव तो कोई बात नहीं लाइव क्लास के तुरंत बाद वो आपके मोबाइल में ही रिकॉर्डेड रहती है क्लास उसको जितनी मर्जी बार देखिए और वैलिडिटी कोर्स की एक साल है राइट सो एक बार कोशिश करके लग जाओ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश में फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो सेंटेंस सही तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट कर पाओगे लिख भी पाओगे सही तरीके से और बोल भी पाओगे वो भी समस्या आपकी दूर हो जाएगी यहां स्पोकन बैच के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते जब भी आएगा पता लग जाएगा भाई अभी तो टाइम है नहीं इतने सारे बैचेज हैं चलिए हाँ शुभम का देख रहा हूं मैं स्पोकन का बैच हाँ जी चलिए धन्यवाद थैंक यू वेरी मच ये बैच कल आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये करियर करियरविल ऐप पे मिलेगा राइट सो करियर करियरविल